भाकपा माले द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विक्रमगंज में, विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? आज हम लोग पूरे बिहार में भाकपा माले के द्वारा ये विरोध मार्च निकाला गया है, और हम जिस सवाल पर विरोध मार्च निकला है, 31 तारीख को विधानसभा के अंदर भाकपा माले के विधायकों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव रखे थे सभा अध्यक्ष के समक्ष, और चाहते थे कि इस पर बहस हो। पूरे बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं, उस अपराध पर अंकुश लगे, अपराधियों की गिरफ्तारी हो, उनकी सज्जा हो, इस सवाल को लेकर के विधायकों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव रखे थे विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष ने मार्शल लगा करके माले के तमाम विधायकों को विधानसभा से टंगवा करके बाहर फेंकवा दिया, जिसके खिलाफ आज हम पूरे बिहार में विरोध मार्च कर रहे हैं और बतला रहे हैं कि बिहार में अभी हम लोग विक्रमगंज के तेंदुनी चौक पर मार्च करते हुए पहुंचे हुए हैं, और हम नीतीश और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण सिन्हा का हम पुतला जलाए हैं, और पुतला जलाते हुए हम मांग करते हैं कि अभी सूरजपुरा प्रखंड के अगरेर खुर्द में आइंद 20 मार्च को होली फगुआ के एक दिन बाद वहां के सामंती सांप्रदायिक ताकतों ने दलितों के महाला में घुस करके गोलियां चलाई, जिस गोलियों से 10 बजे दिन के उजाले में वहां राजदेव पासवान की हत्या हो गई स्पॉट पर, और संतोष पासवान बुरी तरह से घायल हो गए, और नींबू राम को लाठी डंडों से पीट करके उनके गर्दन पर चाकू भी चलाया गया, उनकी भी हत्या करने की भरपूर कोशिश की गई, और उस अपराध में FIR दर्ज के बाद वहाँ DSP मौजूद थे, SDO मौजूद थी, और सूरजपुरा के BDO मौजूद थी, और उनके समक्ष लोगों ने कहा कि हम 48 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन आज 13 दिन हो गए, अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि अपराधियों को गिरफ्तार करो और उनके केस को स्पीडी ट्रायल कराकर तुरंत सजा का प्रावधान करो, सजा दिलाओ, और मामले का निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और मामले की जांच भी होनी चाहिए। मतलब पूरे बिहार में आप देख सकते हैं, ये रोहतास जिला है, और रोहतास जिला में इतना तेजी से रफ्तार क्राइम रेट बढ़ रहा है कि जिस पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है सरकार द्वारा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा नीतीश कुमार पे कोई मुक्का चला रहा है, और यही नहीं, अभी छौड़ादानो प्रखंड के भी हाल ही में वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उप प्रमुख पति पर 6 गोलियों से मार के उनकी हत्या कर दी गई है, और इसी के साथ एक मुखिया जो महिला मुखिया थी, और उनको मतलब मार दिया गया है और उसे फंदा से लटका दिया गया था। ये बढ़ता क्राइम रेट दर्शा रहा है कि सरकार एकदम विफल हो रही है, सरकार अपना सत्ता चलाने में विफल हो रही है, और इसी तरह से रफ्तार बढ़ रहा है क्राइम का। से आपकी क्या मांग है? सरकार जो यहाँ है, सरकार यहाँ की जो है पूरे एकदम पूरे बिहार में पूरे देश में मौन लिंचिंग और हमला और बलात्कार की घटना बढ़ी है, और इस सरकार में मोदी और नीतीश की सरकार में जो यहाँ सामंती लोग हैं इनको मनोबल बढ़ाया गया है, और तमाम ये सत्ता के तरफ से इन लोगों को संरक्षण मिल रहा है, और ये दिन के उजाले में हत्या कर रहे हैं, जहाँ इनको जैसा लग रहा है महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। आज ही वीडियो वायरल हुआ कि एक मुखिया को गोली मार दिया गया है, तो बिहार में ये नीतीश कुमार जो बात बोल रहे हैं कि बिहार में अपराध की मामला कम हो गया है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि ये झूठ बात बोलते हैं, और बिहार में तेजी से जदयू भाजपा के संरक्षण में अपराध का घटना बढ़ा है, इसे पूरे बिहार चरमरा रहा है। अगर इस पर
कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो बिहार में भाकपा माले के नेतृत्व में एक बड़ी आंदोलन होगा, खड़ा होगा। और जो हमारे सुजपुरा में, अग्रेर खुर्द में जो हमारे राज्य पहचान को हत्या किया गया और 13 दिन के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ये साबित करता है कि सरकार विफल है और अपराधियों की सुरक्षा में लगी हुई है। अगर ये सरकार इसको नहीं सजा देती है, नहीं पकड़ती है, तो ये हमारे भाकपा माले के लोग सरकार पर आश्रित नहीं रहेंगे। जनता इसको जवाब देगी, उस हत्यारे को पकड़ेगी और जो करना होगी जनता रोड पर उतरेगी। यही हमारा दावा है कि सरकार अगर समय रहते गिरफ्तार करे और नहीं गिरफ्तार करती है तो आंदोलन और आगे बढ़ेगा। यही हमारा नाम हुआ कृष्णा मेहता, हम भाकपा माले के रोहतास जिला कमेटी के सदस्य हुए और विक्रमगंज प्रखंड जो है इस प्रखंड के सचिव हुए। अपराध रोकने में, हत्या बलात्कार रोकने में नाकाम है और यह सरकार उल्टे जो न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय की लड़ाई भाकपा माले लड़ रही है, उस न्याय की लड़ाई के विरोध में खड़ा है। मतलब अपराधियों के पक्ष में खड़ा है, बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा है। और ये अपराधी बलात्कारी देशद्रोही कहा जाए उनको तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोगों को अगर रोकती नहीं है, उनको सजा नहीं देती है, अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो भाकपा माले रोड पर उतरी है। और हम ये मांग करते हैं, आज पुतला जलाया गया नीतीश कुमार के द्वारा और विधानसभा अध्यक्ष का, साथ ही साथ हम ये मांग करते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जो बिहार को नहीं चला सकते हैं, बिहार की माँ बहनों का इज्जत नहीं बचा सकते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है और बेटी की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, हत्या हो रहा है, ऐसा अगर नहीं करता है तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर उसको बने रहने का कोई अधिकार नहीं। हम बोल रहे हैं भाकपा माले दिनारा प्रखंड के सेक्रेटरी गोपाल राम, और यह मांग करते हैं कि न्याय का राज स्थापित हो, उसमें या तो सरकार मदद करे इस न्याय की लड़ाई में, और नहीं तो मुख्यमंत्री जवाब दें, इस्तीफा दें कि यह हमारा, इसे यह देश, यह राज्य हमारा कब्जे में नहीं है, हमसे नहीं चलेगा। विधानसभा के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन पर थप्पड़ चलाया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए हम अंतिम बात यह कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, और भाकपा माले के लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। विधानसभा से लेके रोड तक हम लड़ाई लड़ेंगे जनता के लिए, जनता की न्याय की लड़ाई बिहार में भाकपा माले लड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। हम गोपाल राम, भाकपा माले दिनारा प्रखंड सेक्रेटरी, रोहतास जिला कमेटी सदस्य। मैं मोहन कुमार, आप देख रहे हैं बिहार मीडिया रिपोर्टर, कैमरामैन रितेश के साथ। आपके बिहार मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद ना। और मैं इस भाकपा माले के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन में आया हूँ, और मैं ये चाहता हूँ बिहार सरकार से कि बिहार में जितना अत्याचार, बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। जो भी बिहार में शिक्षकों को जो वेतन नहीं मिल रहा है समय पर, उनको समय पर वेतन दिया जाए। और जो बेरोजगारी है उनको हरेक, जितना अभी बिहार सरकार ने जितना आपको पद है खाली, उसको भर्ती किया जाए। अगर ये भर्ती नहीं होती है, बिहार सरकार नहीं करती है, तो ये भाकपा माले मिलकर पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन करेगी और सरकार को, नीतीश कुमार को ये बोले कि तुम इस्तीफा दे दो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है बिहार चलाना। बिहार में आप भ्रष्टाचार के मामले में क्या कहना चाहेंगे, बिहार में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को के बारे में क्या कहना? बिहार में आपको जितने जिले हैं, सबसे जिला बिहार में ही, बिहार प्रदेश में ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। इसलिए नीतीश कुमार को इस मामले में बहुत सोचना चाहिए कि बिहार में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेटी को कहीं भी रास्ते में जाकर असत बोला जा रहा है,
वहाँ का प्रशासन जो है कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जब किसी दलित उत्पीड़न अल्पसंख्यक को बेटी बहन स्कूल जाती है कॉलेज जाती है, यहाँ के दबंगों लोगों ने उस बच्ची को बच्ची के साथ छेड़खानी करते हैं, अगर वो पुलिस में जाते हैं लेकिन उसके पुलिस में कोई सुनवाई नहीं होता है ना, तो यहाँ के जो प्रशासन है हर एक स्टेट से गिरी हुई है। मैं ये कहता हूँ कि बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जो बीजेपी और आरएसएस जो चला रहे हैं, ये बीजेपी ये नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे, आरएसएस के लोग चला रहे हैं। इसलिए आरएसएस को मैं ये बोलता हूँ और बीजेपी को और नीतीश कुमार को ये बोलता हूँ कि अगर ये पासवान की हत्या हुई है, अगर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ, अगर उसको नहीं पकड़ा गया तो हम बिहार बंद करा देंगे, इसके लिए हमको जेल जाना पड़ेगा। तो मेरा अनिल कुमार राम नटवार से हूँ।